गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब आप टॉपिक है लास्ट का, जो लास्ट टॉपिक है वैसे सिलेबस में नहीं है आपका, ये डॉक्टर इफेक्ट्स, फिर भी हम आपको डिस्कस करते हैं इसके साथ के लिए। देखिए डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है, देखिएगा डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है बेटा, एट द एपेरियंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, the apparent change of the frequency of sound when source and observer and medium in a relative motion is called Doppler effect. The apparent change in frequency of sound when source and observer and medium are in a relative motion is called Doppler effect. यानी स्रोत और श्रोता की सापेक्ष गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। ये ध्वनि का डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर इफेक्ट्स ऑफ साउंड है। बात समझ में आ गई। द एपेरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन साउंड व्हेन ऑब्जर्वर एंड अ सोर्स आर एंड मीडियम आर इन ए रिलेटिव मोशन, यानी स्रोत और श्रोता की अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन डॉपलर का प्रभाव कहलाता है, डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टेशन पे मान लीजिए खड़े होते हैं, आप स्टेशन पे खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं, तो आप ट्रेन की आवाज को यानी साउंड को ऑब्जर्व करके यानी सुन करके ये कंसिडर कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि ट्रेन हमारे नियर अबाउट जा रही है अवे फ्रॉम मी, यानी हमारे समीप आ रही है या हमसे दूर जा रही है। केवल आवाज़ सुन करके आप पता कर लेते हैं कि ट्रेन हमारे पास आ रही है कि हमसे दूर जा रही है। अगर पास आती है तो उसकी साउंड आपको इंक्रीजिंग यानी कि ध्वनि बढ़ती हुई सुनाई पड़ती है, और अगर दूर जा रही है ध्वनि उसकी क्या होगी, घटती हुई यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सुनाई देगी। तो बेटा यही डॉपलर इफेक्ट्स है। अब डॉपलर इफेक्ट्स के देखिए फर्स्ट केस क्या है, जब आपका ऑब्जर्वर इन स्टेशनरी पोजीशन में है और सोर्स क्या है, मूविंग पोजीशन है। व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इन स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि स्रोत गतिमान हो और श्रोता क्या हो, स्थिर हो, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। केस फर्स्ट, देखिए जब स्रोत और श्रोता दोनों स्थिर है तो श्रोता प्रति सेकंड बी दूरी में फैलने वाली एन तरंगों को ग्रहण करता है। जब यही स्रोत आपका बीएस चाल से श्रोता की ओर गतिमान हो जाता है तो ये बी माइनस बीएस दूरी में फैलने वाली एन तरंगों को क्या करता है, ग्रहण करता है। एन तरंगों क्या करता है, ग्रहण करता है। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इन ए स्टेशनरी पोजिशन, देन ऑब्जर्वर रिसीव द वेव नंबर ऑफ वेव इन एक्सपेंशन इन बी डिस्टेंस पर सेकेंड। व्हेन सोर्स इज मूविंग विद स्पीड बी एस टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देन ऑब्जर्वर रिसीव पर सेकेंड नंबर ऑफ वेव एक्सपेंशन वी माइनस वी एस डिस्टेंस, वी माइनस वी एस डिस्टेंस में ये इसको कवर करेगा बेटा। तो यहां से क्या होगा, लैम्डा डैश चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा बी माइनस बी एस अपॉन एन, तो एन डैश इक्वल्स टू होगा बी अपॉन लैम्डा डैश, वैल्यू पुट करिएगा, एन डैश
टू आएगा एन इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो ये एपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ वेन जब सोर्स और स्रोता, जब स्रोता आपका स्रोता स्थिर है और सोर्स क्या है, स्रोता क्यों गतिमान है, यानी कि ऑब्जर्वर जो है आपका, ऑब्जर्वर जो है वो आपका स्टेशनरी पोजीशन में है और आपका जो सोर्स है ये मूविंग पोजीशन में है, उस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी में अपीरेंट चेंज होगा एन डैश इक्वल्स टू एन इंटू वी अपॉन वी माइनस क्या होगा वी एस। नोट, सपोज करिएगा यहां स्रोता क्या है, ये स्थिर है और स्रोत जो है इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो एन डैश इक्वल्स टू आएगा आपके पास वी अपॉन वी प्लस क्या होगा वी एस। अगर स्थिर स्रोता की ओर गतिमान होता है तो आवृत्ति में यह परिवर्तन, और स्थिर स्रोता से अगर दूर जा रहा होता है तो आवृत्ति में यह परिवर्तन होता है। When source move towards the observer, then change in frequency given as when observer source away from the observer stationary source observer, then change in frequency given as। यानी कि जब आपका स्रोता जो सोर्स है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो ये फार्मूला होगा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो ये फार्मूला यूज होगा। तो ये पहला केस था आपका, पहला केस क्या बताए हम, जब स्रोत और स्रोता, जब स्रोत कहते हैं अगर स्रोता आपका स्थिर है और स्रोत जो है स्रोता की ओर गतिमान है तो आवृत्ति में परिवर्तन ये होगा। बात समझ में आ गई। जब स्रोत और स्रोता दोनों स्थिर हैं तो प्रति सेकंड b दूरी में फैलने वाली यंत्र को ग्रहण करता है। When source and observer in a stationary position, then receive the observer number of bit per second expansion in b distance. When observer move towards the stationary source, a source stationary है, when observer is move towards the source with speed v naught, then observer receive v naught upon lambda number of bit extra। यानी कि अगर स्रोता आपका स्रोत स्थिर है और स्रोता v naught चाल से स्रोत की ओर गतिमान है तो ऑब्जर्वर यानी तो क्या कहते हैं ऑब्जर्वर यानी स्रोता जो है v naught upon lambda extra waves यानी कि अपने तरंगे ग्रहण करता है। इसमें एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एन डैश इक्वल्स टू एन प्लस बी नॉट अपॉन लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स टू होता है बेटा बी अपॉन एन, एन डैश इक्वल्स टू एन प्लस एन बी नॉट अपॉन बी। तो आएगा आपके पास यहां से एन को कॉमन कर लीजिए वन प्लस बी नॉट अपॉन बी, तो एन डैश आएगा एन इंटू बी प्लस बी नॉट अपॉन बी, ये अपीयरेंट चेंज हो गया। अगर आप
आपका श्रोता गतिमान है और स्रोत स्थिर है, यानी कि ऑब्जर्वर मूविंग पोजीशन में है और सोर्स क्या है स्टेशनरी पोजीशन में है, तो एपियरेंस चेंज ही होगा। ये टूवर्ड्स व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। सेकंड केस है अगर ये आपका अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, यानी कि जब आपका श्रोता स्थिर स्रोत से दूर जा रहा है तो आवृत्ति में परिवर्तन चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n into v minus v not upon v। तो ये था बेटा आपका टॉपिक डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट दो कंडीशन मैंने बताई, डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर इफेक्ट की दो कंडीशंस मैंने बताई। डॉपलर क्या होता है, रिपीट कर देते हैं एक बार, द चेंज इन एपियरेंट फ्रीक्वेंसी इन व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स एंड मीडियम आर इन ए रिलेटिव मोशन, यानी स्रोत और श्रोता की सापेक्ष गति में ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला आवासीय परिवर्तन डॉपलर के ध्वनि का प्रभाव कहलाता है। मैंने दो कंडीशन में बताया कि पहली कंडीशन बताई जब श्रोता आपका स्थिर है, स्रोत आपका गतिमान है और श्रोता स्थिर है, यानी कि ऑब्जर्वर जो है आपका स्टेशनरी पोजीशन में है, सोर्स मूव कर रहा है। सेकेंड पोजीशन बताई मैंने, सोर्स इन ए स्टेशनरी पोजीशन ऑब्जर्वर इन मूविंग पोजीशन, यानी कि स्रोत आपका स्थिर है और श्रोता क्या है गतिमान है। तो ये था बेटा आपका डॉपलर दो कंडीशन, नेक्स्ट और बताएंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का डॉपलर इफेक्ट्स, और सभी से उम्मीदें हैं सभी लोग होमवर्क करेंगे और इसको चेक कराया करके आप लोग कॉपी को। थैंक यू बेटा।